अब हज कहां से शुरू होगा? तवाफ। नो, सब बाद में। जाओ हजी असवद के सामने पहले खड़े हो, नियत करो, चूमो, फिर स्टार्ट होगा हज। चूमने के बाद ही स्टार्टिंग है। तो अगर कहीं चूमना शिर्क होता तो वो हज में क्यों होता? बड़ा सीधा सा जवाब है, अल्लाह के रसूल ने चूमा है इसलिए हम चूमते हैं। ओके, हमारे चूमने की वजह बाहर जाहिर हो गई। चूमने की वजह क्या है? नबी ने चूमा, ये वजह है। अब बताओ नबी ने क्यों चूमा? वो किसके लिए चूमे? हम तो इसलिए चूमते हैं कि नबी ने चूमा। नबी ने क्यों चूमा? इसीलिए मेरे नबी ने चूमा कि लोग चूमने को शिर्क ना समझें। चूमने को हराम भी ना समझें। ये रुकन है हज का। और कैसे कैसे चूमने का तरीका बताया इस्लाम ने? होठ लग जाए तो लगाओ, ऐसे लगा के आवाज नहीं आनी चाहिए, बस लगा हट गया। और कहा अगर दूर है तब कैसे चूमे? का होठ मत लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ चूम लो। हजरे अस्वद से जब हाथ लगेगा और हाथ ही चूम लोगे, बोसा हो गया, ये मेरा हाथ, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इसको चूमना, हजरे अस्वद को चूमना हो गया। बोले हाँ, टच किया है, हजरे अस्वद को टच किया है, सच किया है। सरकार अगर हाथ भी ना पहुंचे तो डिस्टेंस हो। बोले हाथ में कोई डंडा उंडा असा है? का वही टच करके वही डंडा चूम लो। समझे आप? हम लोग डंडा चूमते हैं, डंडा खाते नहीं। सरकार अगर वो भी ना हो, इतनी दूर है हम कि डंडा भी काम ना करे, तो बोले हजरे अस्वद के लेवल में अपना हाथ ऐसे खड़ा करो, नियत करो, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, चूम लो। ये भी हजरे अस्वद का चूमना है। तवज्जो जो है वो करीब ले जाता है, ये हमें हज ने सिखाया है। तो तवज्जो, दूर वाला तवज्जो करे तो हजरे अस्वद के करीब हो सकता है। तो अगर गुजरात वाला नबी की तरफ तवज्जो करे तो गुंबदे खजरा के करीब कैसे नहीं हो सकता? वो जन्नती हजर है। हजी असद को बोलेंगे वो पत्थर जो है जन्नती है, काला है। अल हजरुल अस्वद, अल हजर माने पत्थर, अस्वद माने काला। देखा आपने, इंडिया में सफेद सफेद चूमने नहीं दिया, तो अल्लाह ताला ने कहा हज करने आओ, काला काला चूमवाऊंगा। क्योंकि वो काला है तो क्या हुआ, आला है। जन्नती हजर है। क्यों चूमा आपने? जन्नती हजर है। सोचने वाली बात है, छोटा सा जुमला है, याद रखना। जन्नती हजर चूमते हो, जन्नती बशर नहीं, दोनों जब जन्नती है तो हजर बड़ा या बशर बड़ा?
बोले पतली गली से निकल लो, और जाते जाते का इस पे नबी का लब लगा है, होंठ लग गया नबी का, लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच यू हजरे अस्वद, लिप्स ऑफ प्रॉफिट, लब लगा, ये लब है ये लगा। इनसे पूछो हजरे अस्वद तो वो है जिस पर लब लगा, चल देख गुंबदे खजरा में सब लगा। जिस पत्थर पर लब लगे कयामत तक चूमा जाए, और जिस कब्र में सरकार का सब लगे, सब सब कहां लब कहां सब, लब का ये आलम है तो सब का आलम क्या होगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्वद को चूमा है, हम चूमेंगे। आदमी को कहा चूमा जो हम आदमी को चूमे, नबी ने इंसान को कहा चूमा जो हम इंसान को चूमे, नबी ने बशर को कहा चूमा जो हम बशर को चूमे। तुम भी इसी तेवर से बोलना, मेरे नबी ने हजरत अस्वद को भी चूमा है, आदमी को भी चूमा, चैलेंज है मेरा, इंसान को भी चूमा है, बशर को भी नबी ने चूमा है। बोल इमाम हसन को चूमा है कि नहीं, इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं, गुलुए हसनैन को चूमा है कि नहीं, रुखसारे हसन और हुसैन को चूमा है कि नहीं। अब आ अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में हजरे अस्वद को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, और हम गुलामों को रास्ता दिखा दिया, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो।